शरद पटनायक नुआ पीसीसी सभापति होती नुआ प्रदेश कांग्रेस सभापति होती शरद पटनायक पूर्वर मध्य से प्रदेश कांग्रेस सभापति थे और पुणी थे हाईकमांड मोहर लगे शरद को ऊपर एवं पीसीसी सभापति दायित्व मिली। शरद पटनायक नुआ पीसीसी सभापति होती नुआ पीसीसी सभापति नहीं कि जो भाई भाव में चली कसरत और शेष में शरद पट्टनायक ना मोहर लगी। गगन विश्वाल नुआ दिल्ली प्रतिनिधि अधिक अपडेट सहित जोड़ी होती तो गगन शरद पट्टनायक पीसीसी सभापति घोषणा करते बड़े घोषणा करागला देखो निश्चित भाव जहां बर्तमान रही एआईसीसी वेबसाइट रही एससीसी वेबसाइट देखू बा गोटे प्रेस रिलीज जारी कराई से लिखाई जे निरंजन पटनायक जो पीसीसी सभापति जो रेजिग्नेशन था सोनिया गांधी एक्सेप्ट कर राज्य नेता मान सहित जो आलोचना कराई बर्तमान स्टेप नहीं शरद पटनायक ना बर्तमान मोहर लगी। निश्चित भाव जो समस्त दिल्ली आसते से आम पिक्चर राहुल गांधी सहित से शक्ति उठे से पिक्चर को विश्लेषण करते राहुल गांधी ठीक बैक साइड से शरद बाबू को देखी निश्चित से पिक्चर ही बहुत कथा कहला कहुला कि कांग्रेस नेता मैंने एड़ी जाते कांग्रेस नेता कहवा कथा सेमती किसी ना सीनियर लिडर हिसाब से पाखे पिक्चर उठे मुकिन ना चर्चा होता ताराबाई पाती ना चर्चा होता कि देखिए पिक्चर जो पिक्चर से राहुल गांधी सहित उठे सेमान बहुत डिस्टेंस से राहुल गांधी को सही बसते पाइप बसते तो निश्चित भाव पुरखा नेता को सीनियर लीडर को दि जाए दायित्व से किभली भाव यहाँ को बहन कर बर्तमान गोटे बाइलेक्शन चली तार रिजल्ट किभली भाव कांग्रेस करुच्ची भोट परसेंटेज बढ़ुची कि नहीं जेहेतु हेल्थ कंडीशन को कही मोर हेल्थ कंडीशन ठीक ना निरंजन पटनायक जे वरिष्ठ नेता को दि जाऊ हे तो सपक्ष में अधिक नेता राय जाइए अधिक नेता सहित ना को परामर्श देते से हेत हाईकमांड यह स्टेप जेहेतु पीसी सभापति दुई दुई थर निरंजन पटनायक दायित्व संभालते गोटे भूमिका थी आशा करना पूर्व देखिए से जिते शरद पटनायक दायित्व थे दायित्व कांग्रेस बहुत भल लिडिंग से मात्र 30-40 पंचायत इलेक्शन रिजल्ट जिला परिषद को आप देखिए अनेक दिन धरी पाखापाखि 17-18 वर्ष धरी कांग्रेस कौन पोस्ट नए किंतु वर्तमान नुआ दायित्व मिली पूर्व निश्चित भाव तक एक्सपीरियंस रही पार्टी सेक्रेटरी लेवल ठार आरंभ करके दिल्ली पर्यंत काम कर सांसद रही लंबा एक्सपीरियंस रही कांग्रेस परिवार सहित गांधी परिवार सहित नेता सहित ओडिशा सब जगार जानते जन सीनियर लीडर हिसाब से किंतु से किभली भाव वर्तमान कांग्रेस जो पॉलिसी रही कांग्रेस जो चिंतन शिविर जो रिजल्ट बर्तमान सीडब्ल्यूसी मोहर लगे से सब कथा को लेकिन केते लोकों पाखर एक्सेप्टेबल हो पार्टी लोकंर आस्था भाजन करापे कौन ना कौट नजर रही किंतु अनेक चैलेंजेस वर्तमान राज्य कांग्रेस पाख रही कहीं देखिए जो छात्र कांग्रेस रही पीसीस रही पूरा डिवाइडेड रूल से ममिता मेहर केस तार गोटे ज्वलंत उदाहरण हो पारे गोटे गोष्ठी आसते दिल्ली स्ट्राइक करने कितु अन्य गोष्ठी गोष्ठी सपोर्ट कर इवन सांसद जड़े मात्र सांसद सप्तगिरी ओलाका स्ट्राइक को जाइन कि कौना कौटि ये सब गोष्ठी भितर किभ भाव समन्वय रखी पार्टी जेहेतु मुकिम लंबा गोटे टीम था दिल्ली आसिक से अपिल करते सेमाने शरद पटनायक को सहयोग करुछंती कि नाही केते टीम मेंबर पुणी एग्नेस्ट जाउछंती काहे कि कांग्रेस रे ये गुटे चिराचरित प्रथा आपण जयदेव जेना देखंतु निरंजन पटनायक देखंतु प्रसाद हरिचंदन देखंतु किछु समय पई समस्त एक्सेप्ट करंती किंतु परवर्ती पर्यायर कांग्रेस रे गुटे फाटो सृष्टि होय राज्य कांग्रेस रे सेभळी स्थिति देखिबाक मिलुछि ना शरद बाबू समस्तंकु नै आगो बढ़ुछंती या पर बासिंक नजर हेबो कांग्रेस कर्मी नजर हेबो तबे गगन जो भळी भाबरे अनेक जो कथा आपण कहतिले अनेक आशाई थिले एवं सबु समस्त पछ को काटिकी शरद पटनायक ना मोहर लगला अर्थात जो कथा आप कहते से दिन फोटो एवं सेटा ही सूचे दूसरा जो हुए तो शरद पटनायक आगे अच्छा दौड़े तो कौटा कौ कारण जो शरद पटनायक ही प्रथम चॉइस है हाईकमांड कर कि कौन चर्चा हो संपर्क
ଶକ୍ତି ଆପଣ ଯଦି 2019 ପୂର୍ବର ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନକୁ ଯିବେ, ଇଏ ଗୋଟେ ହୁଏତ ଭଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଇପାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରେ। ଛତିଶଗଡ଼, ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଲା ସେତେବେଳେ ଅନେକ ନୂଆ ଚେହେରା ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲେ। ଇଭିନ୍ ଦୁଇଟା ରାଜ୍ୟକୁ ଆପଣ ବେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ନେଇପାରିବେ, ରାଜସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ପାଇଲଟଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସବୁଠୁ ଦାବିଦାର ନେତା ଥିଲେ ସେତେବେଳେ, କିନ୍ତୁ ବରିଷ୍ଠଙ୍କୁ ସେଠି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କମଲନାଥ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଗେହଲଟଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ହୁଏତ ସେଇ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସରେ ପୁଣି ଥରେ ଶରଦ ବାବୁଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ସିନିୟର ଲିଡର ଥିଲେ, ଜଣେ ପୁରୁଖା ନେତା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜୟଦେବ ଜେନା ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଲମ୍ବା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଛନ୍ତି, ନୂଆ ମୁହଁକୁ ହୁଏତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନେଇନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମହମ୍ମଦ ମୁକିଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ବିଧାୟକ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, କିଛି ବିଧାୟକ ମୁଁ କହିବି ମୁକିଙ୍କ ପାଇଁ, କିଛି ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଓପନଲି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀ ପ୍ରତି, ଯେ ଆମ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହିଁ ଜଣକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ, ଜଣକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ, ଯେତେବେଳେ ଓପନଲି ସେ ମିଡିଆରେ କହୁଥିଲେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିବ, ହୁଏତ ସେ କଥାକୁ ସେ ସେଠି ରଖିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ନ ନେଇକି ବା ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ ନ ନେଇକି ଶରଦ ବାବୁଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହୁଏତ ବରିଷ୍ଠତା ଭିତ୍ତିରେ, ଲମ୍ବା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଭିତ୍ତିରେ ହୁଏତ ଏଭଳି ଚୟନ କରିଛନ୍ତି ହାଇକମାଣ୍ଡ।